गाइस वेलकम टू माय YouTube चैनल द मैथ मैन शुक्ला। मैं अमर शुक्ला, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल द मैथ मैन शुक्ला में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11 की आरडी शर्मा, जहां पे हम आरडी शर्मा का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी। अभी तक हम लोगों ने सेट थ्योरी के बारे में बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर किया। हमने हर बेसिक इन्फॉर्मेशन को बहुत डिटेल में एनालिसिस करके हमने पढ़ा। हमने सेट थ्योरी के एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.5 के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। साथ में ही हमने 1.1 से लेके 1.5 के सारे बेसिक इंट्रोडक्शन भी हर एक्सरसाइज का हमने कवर किया। तो चलिए अब हम इस सीरीज में, इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 की आरडी शर्मा का एक्सरसाइज फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.6। इसके पहले मैं आपको ऑलरेडी 1.6 स्टार्ट करा चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हुआ है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि डायरेक्ट मेरे वीडियोस यहां से ना देखना कंटिन्यू करें। अगर आप बेटर तरीके से चीजों को समझना चाह रहे हैं, हर चीज को बहुत डिटेल में समझना चाह रहे हैं, तो रिक्वेस्ट मेरी यही है कि मेरे पुराने वीडियोस भी आप देखने के बाद में ही कंटिन्यू करें, ठीक है? क्योंकि देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और फिर यहां से आपको पढ़ने मजा आएगी। तो अभी हम यहां पे 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने 1 से लेके 5 तक कवर कर लिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1.6 का 6 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं कि हमारे पास में कोई 3 सेट है, ए बी सी हमारे कोई भी 3 सेट है, और जब हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेते हैं और ए और सी का इंटरसेक्शन लेते हैं तो दोनों वैल्यू आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। क्वेश्चन कह रहा है ये प्रूफ करना है, और एक कंडीशन दी है कि बी और सी आपस में इक्वल नहीं होंगे। बी और सी क्या है, आपस में इक्वल नहीं है। तो अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं एक सेट लेता हूं, ठीक है ना, सेट ए लेता हूं। सेट ए क्या है मेरा, 1, 2 और 3 है, ठीक है। अब एक सेट बी लेता हूं। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर हम सेट बी किस बेसिस पे लें, ए से बिल्कुल हट के एलिमेंट लें या कुछ एलिमेंट ए के ले लें और बी नया फॉर्म करें। क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा, बेसिक सा बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नहीं, कोई डिमांड देखो, क्वेश्चन की डिमांड है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया कि ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे, इतना क्लियर हो गया। तो मतलब कि कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए मैं 3 ले लेता हूँ, ले लिया मैंने, इसके साथ मैंने ले लिया 4 और 5, ठीक है। अब मेरी बात सुना, मैंने लिखा जब ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला ए और बी से, तो हमने लिखा ए और बी का इंटरसेक्शन कितना आया, 3 आया। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। अब बात को आगे सुनते हैं, हमसे क्या कह रहा है कि जो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आएगी वही ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आनी चाहिए। मतलब ये तो श्योर हो गया कि ए इंटरसेक्शन सी भी क्या आएगा, 3 आएगा, ये श्योर है क्या? लेकिन सेट सी तो बनाना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि कह रहा है कि सेट बी और सी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। तो देखना पड़ेगा ना कि बी और सी इक्वल भी ना और इंटरसेक्शन ए के साथ में 3 आ जाए। तो जरा देखो, बी सी में 3 तो होगा ही होगा, क्योंकि तभी तो ए और सी का कॉमन एलिमेंट 3 आया है। 3 के अलावा ए और सी के कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब कि 1 और 2 यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि बोला है ना ए और सी का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 3 के अलावा और कुछ नहीं आएगा, तो हमने 1 और 2 को हटा दिया सेट ए का। और कह रहा है कि बी और सी आपस में इक्वल नहीं होंगे। जब बी और सी इक्वल नहीं होंगे तो मतलब बी के एलिमेंट भी सी में दिखेंगे नहीं, ये ए दिखेगा क्योंकि ये तो ए में भी है ना, तो एक एलिमेंट तो हो गया 4 और 5 यहां दिखेगा नहीं। तो इसको ले लेता हूं 6, 7, 8, 9, ये सेट सी हो गया। तो आपने क्या देखा कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी आ गया, और साथ में ही हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि सेट बी इज नॉट इक्वल टू सी, जैसे कि क्वेश्चन की डिमांड थी। तो उम्मीद करता हूं 6 का पहला पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब 6 के सेकंड पार्ट पे आते हैं। 6 का सेकंड पार्ट क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट के लिए भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हो गया कि ए के सारे एलिमेंट कहां दिख रहे हैं, बी में दिख रहे हैं। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, इतनी बात मेरी क्लियर है। एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं 2 तरीके सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है, जो आपको इजी लगे उसको कॉपी करना, जो इजी ना लगे स्किप दैट, ओके। चलो बात करते हैं। कह रहा है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, बी का सबसेट है। तो हमने एक सेट ए ले लिया, ए ले लिया, 1 और 2 ले लिया। बात को मेरी बहुत ध्यान सुनना, सेट को कैसे लिखना है, उनके एलिमेंट को लिखने का बेस क्या होता है, वो हम नहीं डिसाइड करेंगे, वो क्वेश्चन हमें डिसाइड करने देगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसी के डिमांड पे हम सेट लेंगे, ठीक है ना। चलो अभी बात करते हैं। तो सेट ए कितना हो गया, 1, 2। फिर हमारे पास में सेट बी आ गया, सेट बी क्या लेंगे, सेट बी कह रहा है कि सेट ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब बी में ए के सारे एलिमेंट्स हैं। अगर बी में ए के सारे एलिमेंट हैं, मतलब कि ए के एलिमेंट तो 1, 2 हो गई, कुछ 3 और 4 भी ले लेते हैं, इतना क्लियर। अब मेरी बात आगे सुनना, मैं कोई सेट सी ले लेता हूँ, बात को ध्यान सुना, मैं सेट सी ले लेता हूँ कोई। देखो मैंने सेट सी लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब मेरी बात सुनो,
हमें प्रूफ क्या करना है, सी माइनस बी, मतलब सी माइनस बी क्या होता है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए अलग से सॉल्व करता हूँ। देखो हमें निकालना है सी माइनस बी, तो मतलब सी में से बी के सारे एलिमेंट क्या कर देना, हटा देना है। तो बी के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 है। अब 1 2 3 4 को सी में से क्या करना है, हटा देना है। तो जब हमने 1 2 3 4 हटा दिया तो हमने देखा सी में क्या मिला, 5 6 मिला, ये मिला, ठीक है। अब इसको छोड़ देते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, सी माइनस ए है, तो जरा सी माइनस ए निकालता हूँ। सी माइनस ए, माइनस समझ में आ रहा है ना, डिफरेंस वाला, डिफरेंस ऑफ टू सेट का। तो सी में से ए के सारे एलिमेंट हमने हटा दिए। जब हमने हटा दिए तो हमें क्या मिला, सी में से हमने एक एलिमेंट हटाया, तो हमने इनको हटाया, बचा क्या हमारे पास में, 3 4 5 6। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। अब जरा मुझे एक चीज बताओ देखने के बाद में, क्या सी माइनस बी के सारे एलिमेंट सी माइनस ए में दिख रहे हैं? देखो ना, दिख रहा है ना, सी माइनस बी में क्या है, 5 6 है, और सी माइनस ए में भी क्या है, 5 6 दिख रहा है। मतलब कि सी माइनस जो बी है, इज द सबसेट ऑफ सी माइनस ए, यही तो बात है। और क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था, उम्मीद करता हूँ इतनी बात क्लियर होगी। तो ये बहुत इजी तरीका था। अब थोड़ा सा स्टेटमेंट के फॉर्म में आते हैं, अगर मैथ को और बेहतरीन तरीके से सीखना है ना, तो स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको चीजों को सीखना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तब तक आप कितने एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे। अभी तो छोटे छोटे एग्जांपल से काम चल जाता है, अभी चलने के बाद छोटे छोटे एग्जांपल तो काम आएंगे नहीं, बड़े एग्जांपल आप बना पाएंगे नहीं। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो चलो, ये हमारा पहला टाइप था। दूसरे तरीके से सीखते हैं इसको। हमने माना कि हमारा कोई एलिमेंट एक्स है, बात को मेरे ध्यान सुनना, एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, कहां बिलोंग कर रहा है, छोड़ो, और ये तरीके देखो, एक एलिमेंट है हमारा एक्स जो बिलोंग कर रहा है सी माइनस बी में, यही बात प्रूफ करना था ना। हमने कहा क्या लिखा कि एक्स बिलोंग कर रहा है सी माइनस बी में, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक्स बिलोंग कर रहा है सी में, एंड बात को ध्यान समझो, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, एक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहे ना, क्यों, क्योंकि देखो बी का एलिमेंट सी से हमने बी क्या कर दिया, निकाल के बाहर कर दिया भाई। अब मेरी बात को सुनना, इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग कर रहा है सी माइनस बी में से। अब आगे की बात, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स बिलोंग कर रहा है, अगर कोई एलिमेंट एक्स बिलोंग कर रहा है सी से, तो वो एक्स नहीं बिलोंग करेगा ए में, ये कंडीशन बोले, सी माइनस सी ए से बिलोंग नहीं करेगा। और कह रहा है कि ए तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा सी माइनस ए में से, भाई जब एलिमेंट सी में बिलोंग कर रहे हैं, ए में बिलोंग नहीं कर रहे, तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, सी माइनस ए में बिलोंग करेगा, क्योंकि ए से हट गया ना सी का एलिमेंट। अब अगली बात ध्यान समझना, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है, मतलब कि आप जरा एक चीज देखो, ये छोटा है और ये सेट क्या है, बड़ा है, तभी तो कह रहे हैं ना कि ए के सारे एलिमेंट इसमें दिख रहे हैं। तो भाई जब C में से B के एलिमेंट आपने हटा दिया, बात को सुनो, C में से B के एलिमेंट, और B बड़ा सेट है, देखो यहाँ मैंने B बड़ा लिया ना, A की कंपैरिजन B क्या बड़ा है, तो C में बचने वाले एलिमेंट क्या होंगे, छोटे होंगे ना, C में कम एलिमेंट बचेंगे। और जब हमने C में से A को हटाया, बात को सुनना, जब C में से A को हटाया तो A छोटा सेट था, तो इस बार C में ज़्यादा एलिमेंट बचेंगे, बचेंगे ना, तो ज्यादा एलिमेंट में छोटा एलिमेंट दिखेगा ना, छोटा सेट दिखेगा ना बड़े वाले में। तो इसका मतलब ये हो गया कि C माइनस बी क्या था, छोटा सेट था, उसके सारे एलिमेंट बिलोंग करेंगे कहाँ, C माइनस ए में से। बात नहीं समझ में आई तो सुनो, B क्या था, बड़ा सेट था, देखो बड़ा सेट था ना हमारा, क्योंकि इसके अंदर क्या था, A इंक्लूडेड था, मतलब A इज द सबसेट ऑफ B, मतलब कि A छोटा सेट है, तभी तो वो सेट B में दिख रहा है ना। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किया तो यहाँ ज्यादा एलिमेंट बचेंगे, और C में से जब बड़ा सेट माइनस किया तो यहाँ कम एलिमेंट बचेंगे, तो कम एलिमेंट वाला इसका सेट होगा, उम्मीद का सबसेट होगा। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात क्लियर होगी, ये नहीं समझ में आई तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बढ़िया समझाया है, तो इसको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए आएगा, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो मैं इसको भी दो तरीके से सिखा देता हूँ, जो बेटर आपको लगे वो कर लीजिएगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चन दो तरीके से नहीं सिखाऊंगा, लेकिन जहां पे पॉसिबिलिटी में वहां पे दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक है, तो बेसिक आपको जरूरी है जानना, और जितने तरीके जानेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो चलिए बात करते हैं, कह रहा है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए आएगा। सबसे पहली बात तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो यूनियन होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है इंटरसेक्शन के ऊपर। इसका मतलब क्या होगा, सुनो मेरी बात, अगर मैं
मैं पहले तरीके समझाता हूँ, ठीक है ना। पहला तरीका देखो, अगर मेरा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी लिखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ए यूनियन अंदर जाएगा ना, अगर पुराने वाले वीडियो देखा तो क्लियर होगा, ए यूनियन जब अंदर जाएगा तो ए यूनियन ए हो जाएगा, फिर इंटरसेक्शन है फिर ए यूनियन बी के पास में जाएगा तो ए यूनियन बी हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से सुनो, ठीक है ना। ए का यूनियन जब ए के साथ बनाओगे, किसी सेट का यूनियन उस सेट के साथ बनाओगे तो निकल के क्या आएगा, वही सेट निकल के आएगा। इतनी बात मेरी क्लियर है, दिखाता हूँ यार, देख लो। अगर सेट ए है, लो दूसरा तरीका भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। दूसरा तरीका सेट ए है, सेट ए हो गया 1 2 3, अब इसका यूनियन सेट ए के साथ बनाओगे तो भाई वही तो सेट निकल के आएगा ना, ये देखो सेट ए ही निकल के आएगा। तो मैं फाइनली इसको लिख सकता हूँ ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, इतना क्लियर हो गया। इसका इंटरसेक्शन निकालना है ए यूनियन बी के साथ में, तो जरा देखो, अगर ये सेट बी है, सेट बी को मान लिया 2 2 3 4 और 5 मान लिया मैंने, तो जब ए यूनियन बी आप निकालोगे तो ए यूनियन बी में दोनों एलिमेंट कंबाइन हो जाएंगे, तो ए यूनियन बी कितना निकल के आएगा, इट विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, ए यूनियन बी हमारा ये निकल के आएगा। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमको इसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ में, ए के साथ निकालना है। मैं लिख के दिखाऊं, देखो यहाँ पे हमने लिख लिया ए यूनियन बी, ठीक है। अब जरा देखो सेट ए क्या आया था हमारे पास, 1 2 3 था, हमने इसको लिखा 1 2 3, ठीक है। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हमारा क्या आया, 1 2 3 4 5 आया, तो हमने इसको लिख लिया 1 2 3 4 और 5 लिखा। और जब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एलिमेंट्स क्या आएंगे, 1 2 3 1 2 3 आएगा, मतलब कि हमें मिला 1 2 3 और इट विल बी इक्वल टू सेट ए। देखो ना सेट ए इक्वल है ना, है। तो अब एक वेन डायग्राम से भी देख लेते हैं, एक मिनट, यहाँ की बात में ये क्लियर हो गया होगा, इसको रब करता हूँ मैं। अब मेरी बात सुनो, ये सेट ए हो गया, ठीक है, ये सेट बी हो गया, एक सेट ए हो गया और दूसरा सेट कौन सा हो गया मेरा, बी हो गया। हमने जब ए का यूनियन एक साथ निकाला, ए क्लियर है, इसका तो वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। जब हमने ए यूनियन बी निकाला तो ए यूनियन बी का पूरा ये वाला पार्ट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ में, ए के साथ में, तो भाई ए यूनियन ए और ए के कॉमन एलिमेंट आएंगे ना, तो कॉमन एलिमेंट कौन सा हो गया, फिर से तो हमारा सेट ए हो गया ना, यही तो सेट ए हो गया हमारा, देखो ये निकल जाएगा, तो इसका मतलब है इट विल बी इक्वल टू ए। तो उम्मीद करता हूँ दोनों तरीके आपको क्लियर होंगे, इसका वेन डायग्राम भी क्लियर होगा, नहीं क्लियर तो इसको रिवाइंड करो फिर से देखो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो फिर बहुत दिक्कत है। देखो ये सब चीजें जब बार बार आएंगी ना, तो अब इनको सॉल्व नहीं करना है, इनको आंख बंद करना है, 5 सेकंड का टाइम देना है और सोचना है, हाँ ये नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे होगा वेन डायग्राम पे, ठीक है ना। इसी वेन डायग्राम पे सोचना है कि 5 विद इन 5 सेकंड, क्या ऐसे नहीं ऐसे करके हो गया, बस फाइनल आंसर हमारा कितना निकल के आ गया। इसी के कोई सेकंड पार्ट भी है, तो वैसे तो मुझे नहीं करना चाहिए, आपको करवाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। इसका सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, फिर से समझो, पता नहीं क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए इसको भी लिखाना है। अब क्या देखो, ए को मैंने ए लिखा, ठीक, इंटरसेक्शन। अब ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी ये पूरा रेड वाला पार्ट आएगा, ये ब्लू वाला नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, सिर्फ रेड वाला रीजन आएगा, ठीक है ना, ब्लू वाले रीजन को हटाना है, ब्लू नहीं आएगा इसमें, सिर्फ क्या आएगा, रेड वाला पार्ट आएगा। अब मेरी बात को समझो, इस पूरे का इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ में, तो कॉमन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, ए के दिख रहे हैं ना, ए यहाँ भी, इसके एलिमेंट जब ए यूनियन बी बनाओगे तो जो सेट निकल गया है तो उसमें भी एक एलिमेंट होंगे, और उन्हीं का इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ में, तो फाइनली मतलब कि हमको कुछ सोचना नहीं है, इट विल बी इक्वल टू ए। अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं तो इसको आप सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आया है कि नहीं आया है, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हमारे पास में कोई भी 3 सेट है, ए बी और सी, कोई भी 3 सेट है। आप तुरंत मत लिखने लगना कि कोई भी 3 सेट आप लिखने लगो, क्योंकि कंडीशन देखने के बाद ही हम सेट बनाएंगे कि सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, वो कंडीशन डिसाइड करेगी, हमने डिसाइड करेंगे कि सेट के एलिमेंट क्या रखना है, तो पहले कंडीशन के ऊपर काम करेंगे। कंडीशन क्या कह रही है, कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट क्या होते हैं, नॉन एम्प्टी सेट वो होते हैं जिनके अंदर कोई न कोई एलिमेंट होना चाहिए,
एम्प्टी मतलब बता चुका हूँ फाइव आता है मेरा, तो नॉन एम्प्टी क्या होगा, कोई ना कोई एलिमेंट उसमें होना चाहिए। देखो मतलब कि ये हो गया कि जो सेट हम ए बनाएंगे, क्या बनाएंगे अभी नहीं डिसाइड किया हमने, और जो पहली कंडीशन को लेके चल रहा हूँ, और जो सेट बी बनाएंगे ए और बी में कोई एलिमेंट दिखना चाहिए, क्योंकि कंडीशन दी गई है कि ये हमारे सब क्या है, ये हमारे नॉन एम्प्टी सेट है। क्या है हमारे नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी मतलब कि वो खाली नहीं है, उनके अंदर कुछ है। तो मतलब कि अगर ए ले लेता हूँ 1 2 3 ध्यान सुनना, तो हमको ए और बी में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन लेना पड़ेगा। तो सपोज दैट यहाँ 1 था तो मैंने 1 ले लिया, ठीक है ना, और 2 नहीं लेते, यहाँ पे 3 हो गया, तो ये 4 और 5 ले लेता हूँ, हो गया। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब कि हो गया कि जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1 हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब नॉन एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है, ठीक है ना। अब मेरी बात आगे सुना, दूसरी कंडीशन क्या करी है, कह रही बी इंटरसेक्शन सी, कह रहा है बी और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उसमें भी कुछ एलिमेंट कॉमन आने चाहिए। चलो देखते हैं, हमने निकाला, अब यहाँ पे मैं सेट सी लिखता हूँ, ठीक है ना, बी और सी। अब कह रहा है बी और सी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन आने चाहिए, तो सुनो मेरी बात, 1 मत लेना, मैं 4 और 5 में 4 ले लेता हूँ, फिर हमने 6 ले लिया, 7 ले लिया और 8 ले लिया। अब क्वेश्चन ये आती, सर आपने 1 क्यों नहीं लिया यहाँ पे, बिल्कुल क्वेश्चन है, क्योंकि हमने आगे क्वेश्चन अभी आपको नहीं पढ़ाया है, कंडीशन नहीं पढ़ाया है, वहां पे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ये है कि ए बी और सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। यही क्वेश्चन कह रहा है ना कि ए बी और सी का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, कोई एलिमेंट कब कॉमन नहीं होगा, जब तीनों के एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे। तो सेट ए में 1 था, बी में 1 आ गया था, अगर सी में भी हम 1 ले लेंगे तो ये कंडीशन कैसे फुलफिल होगी, तब तो एक एलिमेंट कॉमन आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने 1 ले लिया। अब जरा देखो, जब हमने बी और सी को देखा तो हमने देखा, अब यहाँ पे एक और समझने वाली बताता हूँ अभी क्या है, ठीक है ना, जब हमने बी इंटरसेक्शन सी निकाला तो हमने देखा कि बी और सी में कॉमन क्या आ गया, 4 आ गया, तो हमने 4 तो लिख लिया, लेकिन एक गलती कर गए, गलती क्या कर गए वो अगले स्टेप में दिखाता हूँ। बी और सी, तो हमारा बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5 आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब मेरी बात सुनो, साथ में ये कह रहा था कि ए और सी भी नॉन इम्पिटी है, मतलब जब हम सेट सी बना रहे थे तो हमको ए का भी ध्यान रखना था, ए का भी एक एलिमेंट होना चाहिए था, तभी तो ए और सी में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। तो भाई साहब, हम यहाँ पे एक एलिमेंट हटा के और सेट ए का एक एलिमेंट लिख लेते हैं, 1 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 1 ऑलरेडी ए और बी दोनों में आ गया है, सी में आ जाएगा तो यहाँ 5 नहीं दिखा पाएंगे हम। तो हमने यहाँ से 3 ले लिया, 4 के साथ 3 ले लिया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जब हमने ए इंटरसेक्शन सी निकाला तो देखो क्या आया, ए और सी में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी क्या है 3, तो इसका मतलब ये हो गया 3, हो गया। अब जरा एक ही देखो, तो A इंटरसेक्शन C इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 5, A इंटरसेक्शन C भी हमारा क्या है 5 नहीं है। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से, अब क्वेश्चन आप दिमाग में आएगा, सर क्या हम बार बार लिख के काटेंगे, नहीं यार मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इसीलिए मैंने उसको लिखा फिर उसको रब किया। आप जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपसे ये गलतियां नहीं होंगी, ठीक है ना, मैंने गलती नहीं की है, मैंने उसको लिखने के बाद दिखाया है कि एलिमेंट कैसे हम सेट करेंगे। तो आप मेरी बात को ध्यान सुनो, हमने देखा कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा एम्प्टी सेट नहीं है, हमारा क्या है नॉन एम्प्टी सेट है। बी इंटरसेक्शन सी भी हमारा क्या है नॉन एम्प्टी सेट है, और ए इंटरसेक्शन सी भी हमारा क्या आ गया नॉन एम्प्टी सेट आ गया। दिस इंप्लाइज दैट आफ्टर वॉचिंग सेट ए बी और सी, जब हम ए बी और सी को देख रहे हैं तो देखने के बाद हमने क्या देखा कि सेट ए बी और सी में क्या कोई एलिमेंट कॉमन है, नहीं कॉमन है, देखो 1 1 यहाँ 1 नहीं है, यहाँ पे 2 3 है, 2 3 और कहीं नहीं, 3 इधर है तो यहाँ 3 नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं है। तो हमने देखा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्लियर होगा, और क्वेश्चन नंबर 8 की डिमांड भी यही थी जो हमने एग्जांपल लेके सेट कर दिया। अगर किसी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं जिन्होंने कमेंट का बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोला है कि हमारे पास में कोई भी 2 सेट है, एक सेट हमारा ए है और दूसरा सेट कोई भी बी है। कंडीशन क्या है, कंडीशन कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। कंडीशन को पहले लिखना है, उसको उसके ऊपर ध्यान देना है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, तब हमको सेट बनाना है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो गया 5। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि ए द सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट।
चलो बात करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट देख घबराना नहीं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट वाला वीडियो देख के आना तभी यहाँ आना वरना बताना। अब सुनना मेरी बात क्या है, सॉल्यूशन पे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। इसका मतलब क्या हो गया कि जब ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव आके मतलब कि ए और बी कैसे सेट हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गए। पढ़ा चुका हूं मैं, सुनो क्या है, मैं इसका वेन डायग्राम दिखाता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, दिस इंप्लाई दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। वो कैसे सेट हो गए हमारे, डिसजॉइंट सेट हो गए। मतलब क्या है इसका, सुनो वेन डायग्राम दिखाता हूं मैं। मैंने इसको बना लिया एक छोटा सा वेन डायग्राम, सेट ए यहाँ है और सेट बी यहाँ है, ये सेट ए हो गया और ये क्या हो गया, सेट बी हो गया। क्या दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे ना। इंटरसेक्शन का डायग्राम तो कुछ ऐसे होता है ना, देखो ना ये होता है ना इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन देखा नहीं मतलब कि ये हमारे ज्वाइंट नहीं, ये हमारे डिसजॉइंट सेट हो गए। इतना क्लियर हो गया, चलो अब आगे आते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में शायद मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, हमको ये प्रूव करना है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो सुनो मेरी बात, अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं एक्स, ठीक, तो अगर वो एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, लेकिन कंडीशन क्या है कि इज इक्वल टू फाइव है, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन तो होगी नहीं। ये कंडीशन कब होगी, जब हमारा ए एक्स या तो ए में बिलोंग करेगा या फिर बी में बिलोंग करेगा। इतनी बात मेरी क्लियर है, दोनों में तो बिलोंग नहीं करेगा, दोनों बिलोंग करेगा ज्वाइंट सेट हो जाएगा। तो इसको अभी हमने इग्नोर कर दिया, जो इग्नोर करना उसको भी सीखना है। अब हम आते हैं वेन डायग्राम पे, जरा वेन डायग्राम देखो, हमने एक सेट बनाया, हमने यहाँ पे सेट बी लिखा और यहाँ पे हमने सेट ए लिखा, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम बता चुका हूँ मैं, कॉम्प्लीमेंट जब बताया था, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ तो पूरे यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को क्या करना होता है, माइनस करना होता है, माइनस करना होता है। तो जब पूरे सेट बी को हमने माइनस किया तो बचा हुआ रीजन कौन सा हो जाएगा, यही हमारा बचा हुआ रीजन हो जाएगा, देखो यही बचा हुआ रीजन हो जाएगा, हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो बी के बचे हुए रीजन में जा रहा है, और बचा हुआ रीजन कौन सा है, बी कॉम्प्लीमेंट है ना, जो हमने रेड कलर से शेड किया है, ये पूरा का पूरा रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी कॉम्प्लीमेंट को, जिसको हम बोलते हैं यू माइनस बी। तो मतलब कि ए हमारा किस रीजन में है, बी में तो नहीं है, ए बिलोंग कर रहा है बी के कॉम्प्लीमेंट वाले रीजन में, जो हमारा रेड कलर से हमने शेड किया है। कितना क्लियर हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा ए है इज द सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद करता हूँ इतनी बात तो मेरी क्लियर होगी, ठीक है। अब मेरी अगली बात सुनो, इसमें और कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसमें हम ये भी लिख सकते थे कि अगर हमारा देखो, अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव है, तो इसका मतलब है कि अगर हमारा एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, तो एक्स हमारा बिलोंग नहीं करेगा बी में। यही बात मैं बोला था, तभी मैंने इसको यहाँ कैंसिल किया था कि अगर x बिलोंग कर जाएगा a इंटरसेक्शन b में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x a और b दोनों बिलोंग कर रहे हैं ना, तभी तो बिलोंग उसके इंटरसेक्शन वाले पार्ट में बिलोंग किया। तो हमने लिखा कि इफ, मैं लिखता हूँ इफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, a इंटरसेक्शन b 5 है, तो इसका मतलब है कि x बिलोंग कर रहा है a में लेकिन x बिलोंग नहीं कर रहा है b में। क्यों, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है, सॉरी x बिलोंग कर रहा है कहाँ, बिलोंग कर रहा है बी कॉम्प्लीमेंट में, जो जो उस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, जो एलिमेंट उस सेट का नहीं है, मतलब वो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, यही तो पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा है। अब मेरी बात सुनो, एक्स बिलोंग कर रहा था ए में, अब एक्स कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, बी कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब हो गया कि ए इज द सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर होगा, वेन डायग्राम की हेल्प से ही मैंने समझा दिया और आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी समझा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है कि हमारे पास में तीन सेट हैं ए बी सी, उनके एक रिलेशन बनाए गए ए माइनस बी, जिसको हम क्या बोलते हैं ओनली ए, फिर ए इंटरसेक्शन बी, और फिर बी माइनस ए, जिसको हम बोलते हैं बी को सभी ओनली बी। तो अब हमको ये दिखाना है कि तीन के तीनों जो हमारे सेट है ना, ये तीनों सेट हमारे कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट होंगे। मैं क्वेश्चन 10 एक बार रीड कर देता हूँ, ठीक है ना। आपसे कह रहा है इफ ए एंड बी आर द सेट, ए और बी हमारे कोई दो सेट है, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि अगर हम इनको पेयर वाइज लेते हैं, पेयर वाइज मतलब दो दो की पेयर लेते हैं, देन दे आर डिसजॉइंट सेट, वो क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट। तो चलिए बात करते हैं, ठीक है ना। डिसजॉइंट मतलब समझ में आती है कि जो आपस में ज्वाइन ना हो, ज्वाइन नहीं होंगे तो उनका इंटरसेक्शन मतलब कोई कॉमन एलिमेंट होगा नहीं। तो चलो बात करते हैं, इसको वेन डायग्राम से भी समझेंगे और वेरिएबल के फॉर्म में भी लेंगे, लेकिन वेन डायग्राम बिल्कुल सटीक दिमाग में बैठा दूंगा मैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं, देखो ए माइनस बी कैसे बनाते हो आप, मैं दिखाता हूँ। मैं
एक सेट बनाता हूँ, उसका वेन डायग्राम ले लेता हूँ, ये ए और बी हो गया, ये ए और बी हो गया, तो ऑलरेडी मैं आपको ए माइनस बी बता चुका हूँ। देखो हमको यहाँ प्रूफ क्या करना है, पहले मैं ये भी लिख देता हूँ, हमको पहले ये प्रूफ करना है पहले पार्ट में कि ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी आर डिसजॉइंटेड। डिसजॉइंट मतलब क्या हो गया कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा इट विल बी इक्वल टू फाइव, यही आएगा। दूसरे पार्ट में हमको ये प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटरसेक्शन निकालेंगे बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या आएगा, फाइव। और तीसरे पार्ट में हमको क्या निकालना है कि ए माइनस बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे बी माइनस ए के साथ तो क्या आएगा, फाइव। डिसजॉइंट मतलब क्या होता है कि उनके कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं होने चाहिए, और कॉमन के लिए क्या लगाते हैं, इंटरसेक्शन लगाते हैं, ना कि यूनियन। तो कोई भी क्वेश्चन दिमाग में होता है ना कि सर यहाँ पे आपने इंटरसेक्शन ही क्यों लगाया, यूनियन क्यों नहीं लगाया, तो उसको मुझसे पूछना है, कमेंट बॉक्स में करो, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं। अब कह रहा है कि ए माइनस बी, ए माइनस बी का वेन डायग्राम बनाते, मैं पहला पार्ट प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहला पार्ट क्या है, तो जरा देखो ए माइनस बी का वेन डायग्राम कौन सा होगा कि ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा दे, तो ये सेट ए है उसमें से बी के एलिमेंट हटा दिए, मेरे ये डायग्राम में पीछे समझा चुका हूँ। तो इसमें से बचा क्या हमारा, हमारा ये वाला पार्ट बचा, ये बचेगा, ठीक है। अब बात करता हूँ आगे में, ये बचा, हम जरा इसका वेन डायग्राम बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी का। जब हम ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम वेन डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास में डायग्राम कुछ ये वाला निकल के आएगा जो हमने रेड से शेड किया। अब जरा हमको एक चीज बताओ, सिर्फ एक चीज बताओ कि पहले पार्ट में हमको प्रूफ क्या करना था कि इसका और इसका जो ब्लू वाला शेडेड रीजन है और जो रेड वाला शेडेड रीजन है दोनों का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, फाइव आना चाहिए। क्या दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे भाई। ये जो ब्लू वाला है वो क्या येलो वाले के ऊपर, सॉरी ब्लू वाला रेड वाले के ऊपर कहीं ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैपिंग नहीं हो रही ना, जब ओवरलैपिंग नहीं हो रही मतलब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यहाँ से ये तो दिख गया कि जो हमारा ए माइनस बी था उसका जो इंटरसेक्शन निकाला हमने किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ, इट विल बी इक्वल टू फाइव। पहला पार्ट क्लियर हो गया वेन डायग्राम से। अब इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में समझते हैं। सपोज दैट हमारा कोई एक एलिमेंट है एक्स, वो बिलोंग कर रहा है किससे, ए माइनस बी से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, एंड एंड और कई कुछ समझा चुका हूँ, दिमाग में रखना है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, कि एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, जो एलिमेंट ए में है वो बी में नहीं है, ठीक है। अब अगली बात सुनो, अगर मैं इसको इस पार्ट से कंपेयर करता हूँ तो एक्स बिलोंग कर रहा है अगर ए इंटरसेक्शन बी में, अगर मैं कहता हूँ तो पॉसिबल कहाँ है भाई, ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, क्यों, क्योंकि एक्स तो बिलोंग कर रहा था ना ए से, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए एक्स बिलोंग कर रहा है बी में, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, ये कंडीशन देखो ना, एक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी का कोई एलिमेंट कॉमन होगा, नहीं होगा, तो क्या एक्स ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा ना। तो यहाँ से हमने ये देखा कि ए माइनस बी का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी के साथ में हमेशा क्या आएगा, फाइव आएगा। तो उम्मीद करता हूँ पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम वर्क करते हैं, मतलब ये हमने फर्स्ट और सेकंड को लेकर सॉल्व किया, अब सेकंड और थर्ड को लेकर सॉल्व करते हैं, फिर हम फर्स्ट और थर्ड को लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब वर्क करते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या बोला है, सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए का जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, फाइव आएगा। वेन डायग्राम से देख लेते तुरंत, हमने एक वेन डायग्राम बना लिया, ये एक सेट ए हो गया, ये एक सेट बी हो गया, ये सेट ए हो गया, ये क्या हो गया मेरा सेट बी हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या है हमसे ये बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा ये बीच वाला सेकंड रीजन, ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इसका किसके साथ निकालना है, बी माइनस ए के साथ में, तो बी माइनस ए जरा देखते हैं, मतलब बी में से ए के सारे एलिमेंट हटा दिए, तो बी माइनस ए शायद हमारे पास में यही सेकंड रीजन निकल के आएगा, आएगा। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, क्या ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा ब्लू वाला शेडेड रीजन है और बी माइनस ए जो कि हमारा रेड वाला शेडेड रीजन है, क्या दोनों रीजन में कोई लाइनें ओवरलैप कर रही हैं, क्या ब्लू रेड को या रेड ब्लू को ओवरलैप कर रही है, जब ओवरलैप नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और जब कॉमन नहीं है तो हम सीधा सीधा लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन बी माइनस ए के साथ में क्या आएगा, फाइव आएगा, हो गया। और फाइव आ गया तो वो क्या हो गया हमारे डिसजॉइंट सेट हो गया। चलिए आगे बात करते हैं पार्ट थ्री की। देखो चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, अपने आप ही करने की थोड़ा सा कोशिश करो, मैं जिस
फिगर से बता रहा हूँ, उसको कहीं ना कहीं आप कॉपी कर लो क्योंकि वो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। थर्ड पार्ट क्या है इसका, कह रहा है ए माइनस बी, तो फिर से एक वेन डायग्राम बना लेता हूँ मैं, ठीक है ना। वेन डायग्राम मैंने बनाया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया हमारा, और ये सेट हमारा बी हो गया, ये सेट ए हो गया, ये क्या हो गया, सेट बी हो गया। कह रहा है ए माइनस बी, मतलब ए में से बी के एलिमेंट हटा दिया, मतलब ओनली ए की बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ पीछे वाले लेक्चर्स आपने कवर किया होगा, तो ओनली ए का वेन डायग्राम मैं बता चुका हूँ और बहुत अच्छे से बताया हूँ, तो मेरा टाइम यहाँ पे वेस्ट मत कराएं, वहाँ पे जाकर देख लें, ठीक है ना। तो ए सॉरी तीसरा पार्ट क्या है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में रीजन क्या आ जाएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा, ये रीजन आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा ए माइनस बी। इसकी बात मेरी क्लियर हो गई। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, बी माइनस ए के साथ में, मतलब बी में से ए के, भाई दूसरा पार्ट क्या है, बी माइनस ए है ना, तो बी में से ए के एलिमेंट हटा दे, मतलब कि दूसरा रीजन हमारे पास में कुछ ये वाला निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है। अब जरा मुझे सिर्फ इतनी बात बता दो, क्या दोनों शेडेड रीजन ब्लू वाला और रेड वाला क्या कहीं पे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना। जब ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो इसका सिर्फ एक सीधा सा मतलब है कि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, और जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम सीधा लिखेंगे कि ए माइनस बी का इंटरसेक्शन बी माइनस ए के साथ में क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी सी बात तो मेरी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं बताई है जो आपको अलग से याद करना पड़े। वेरिएबल के फॉर्म में जो कॉन्सेप्ट वाला फॉर्म है वो आप आराम से ले सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले पार्ट क्लियर किया हुआ है। इसका एक बार और बता देता हूँ, देखो सेकंड पार्ट के लिए इधर लिख रहा हूँ मैं। इसके लिए सपोज दैट एक एलिमेंट एक्स है जो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स बिलोंग करेगा ए में, ये मतलब हुआ कि एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड एक्स बिलोंग कर रहा होगा कहाँ पे, बी में। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने क्या देखा कि x बिलोंग कर रहा था a से और x बिलोंग कर रहा है b में, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में। अब बात मेरी ध्यान सुन लो, दूसरे पार्ट के लिए आ रहा हूँ b माइनस a के लिए। तो अगर मैं बोलता हूँ कि x बिलोंग कर रहा है b माइनस a, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, b माइनस a, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा ये हुआ कि x बिलोंग करेगा b में एंड x डज नॉट बिलोंग टू a, ये लेकिन कंडीशन गलत हो गई ना कि x a बिलोंग कर रहा है भाई, यहाँ पे देखो ना कर रहे हैं। तो अब जब x यहाँ पे b माइनस a में क्या बिलोंग करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा ना, क्यों, क्योंकि x तो अब a में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, जब a में बिलोंग नहीं कर रहा तो हमने b से उसको निकाल के बाहर कर दिया, क्योंकि 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 x a में बिलोंग कर रहा था, मैंने उल्टा बोल दिया, क्योंकि x a में बिलोंग कर रहा था, देखो ना इस कंडीशन के हिसाब से। तो जब x a में बिलोंग कर रहा था तो b माइनस a में कैसे बिलोंग करेगा, क्योंकि a से तो इसको निकाल के हमने बाहर कर दिया ना, जब b से हमने a का एलिमेंट निकाला तो x निकल गया, तो क्या x b माइनस a बिलोंग करेगा, नहीं करेगा ना, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो उम्मीद करता हूँ थर्ड पार्ट आप अपने आप खुद करेंगे, पर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि a यूनियन b का इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालते हैं तो इक्वल टू क्या आएगा, a आएगा। चलिए एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। अब बात ये आती है एग्जांपल में हम कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, सुनो ध्यान से। b कॉम्प्लीमेंट लगाए ना, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, देखो मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, b कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस b, मतलब कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में हमें यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी। तो पहले एक यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, सुनो ध्यान से। एक यूनिवर्सल सेट लिया, U लिख लिया मैंने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिख लिया, ठीक है। अब सुनो, यूनिवर्सल सेट से हम दो सेट बनाते हैं। दो सेट कौन कौन से, हमने एक छोटा सेट A बना लिया जिसमें हमने लिया 1, 2, एक हमने सेट B बना लिया 1, 2, 3, 4, ठीक है, दो सेट हो गए। देखो दो यूनिवर्सल सेट है, उसी से हमने दो सेट बना लिए A और B, ठीक है। अब बात आगे करते हैं, कह रहे हैं A यूनियन B, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जरा देखो A यूनियन B कितना आएगा, अगर A यूनियन B की बात करें तो A में 1, 2 है और B में क्या है 1, 2, 3, 4 है, तो A यूनियन B में हमारे सारे एलिमेंट 1, 2, 3, 4 निकल के आ जाएंगे एंड के विल बी इक्वल टू B, ये B के इक्वल हो जाएगा। अब मेरी आगे की बात सुनो, मैं जरा इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अच्छा अगर B है तो B कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिख लेता हूँ मैं, B कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा अलग से लिख लेता हूँ मैं। B कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से हमने माइनस किया B को, तो यूनिवर्सल सेट हमारा ये, उसमें से B के सारे एलिमेंट हटा दिए 1, 2, 3, 4 यहाँ से हटा दिया, बचा गया 5, 6, मतलब कि B कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट है वो है 5, 6। अब मेरी बात सुनो, हमें निकालना है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो A की वैल्यू कितनी होगी, 1, 2 होगी,
और b कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी आ गई 5.6 आ गई। अब मेरे पास हो अगर दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमारे पास में क्या कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहा है? कोई एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा, ये हमारा क्या हो गया 5 हो गया। मतलब इसकी तो वैल्यू निकल के आ गई, टोटल क्या निकल के आ गई 5 निकल के आ गई, और इसकी वैल्यू निकल के आ गई b, और b का इंटरसेक्शन 5 के साथ में आएगा 5। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मतलब कि जो आर डी शर्मा का नया पार्ट है उसने ये क्वेश्चन नंबर 11 मेरा गड़बड़ है। यहाँ पे क्वेश्चन होगा यूनियन, गड़बड़ लिख रहा है इसमें, ठीक है ना, इसको यूनियन कर लो। आर डी शर्मा में अगर आपके उसमें यूनियन गिवन है तो बेटर है, यूनियन नहीं गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है तो यूनियन कर लेना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है, बहुत सारी वेबसाइट में भी अलग अलग, कहीं यहाँ पे इंटरसेक्शन है, कहीं यहाँ पे यूनियन है, कहीं यहाँ यहाँ दोनों इंटरसेक्शन है, कहीं दोनों यूनियन है, ठीक है ना। तो चलो फिर से बात देखते हैं, हमने ए यूनियन बी निकाल लिया, ठीक है। अब हम निकालते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, यहाँ पे निकालते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। अब ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन से आप देखो 1, 2 और 5, 6, तो ये निकल के आ जाएगा 1, 2, 5, 6, ये निकल के आ जाएगा। अब जरा देखो हमें इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, तो हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगा इंटरसेक्शन में, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, जो कॉमन आएगी वही होगा। तो जरा देखो 1, 2 यहाँ पे और 1, 2 यहाँ पे भी है। अब जो 1, 2 यहाँ पे और 1, 2 यहाँ पे, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ में, तो हमारे पास निकलेगा 1, 2, और 1, 2 क्या है हमारा सेट ए है, और हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कम्प्लीटली तरीके से प्रूव हो गया है। अगर आपके आर डी शर्मा में यहाँ पे इंटरसेक्शन गिवन है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसको आप यूनियन कर लें, वरना क्वेश्चन सही नहीं होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, लेकिन ये वीडियो यहीं पे मैं स्टॉप करूँगा, तो टेक्निकल एरर आ रही बार बार, तो हम आगे क्वेश्चन नंबर 12 अगले पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और मेरे वीडियोस अगर मुझे थोड़ी सी भी हेल्प करना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस उन बच्चों तक पहुँचाएं जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है, और आपको पता है मैं हर वीडियो बताता हूँ कि मेरे वीडियोस किसको ज़रूरत है, ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियल तरीके से वीक हैं या ऐसे बच्चे जो गांव से बिलोंग करते हैं उनके पास अच्छे टीचर्स नहीं हैं, तो मेरे सारे लेक्चर्स उन्हीं को डेडिकेटेड हैं, मैं सारे वीडियोस उन्हीं के लिए बना रहा हूं, उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनको इन वीडियोस की नीड है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक शेयर तो बनता है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।